चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम जो बात हम लोग कर रहे थे, जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, इन शॉर्ट उस प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या था प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन था जब हम लोग किसी बॉडी को वर्टिकल पोजीशन में उछालने की जगह किसी एंगल पे उछाल देते हैं। सीधे नहीं उछाला, ये पेन सीधे उछालेंगे, पेन आपको दिखने की जगह डस्टर लेते हैं, तो ये कौन सा मोशन है? ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। और स्टेट की जगह हम लोग मेघा को कैच करा दें या रवि को कैच करा दें तो ये कौन सा मोशन है? दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि ये हमने सीधे नहीं उछाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीधे की जगह थोड़ा सा एंगल दे देंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में और जो बातें पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या होता समझ गए? किसी एंगल पे वर्टिकल देन अदर पोजिशन, वर्टिकल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि उसके अंदर दो मोशन हुआ करते थे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन था जो ए से बी पहुंचा रहा था और एक वर्टिकल मोशन था जो ए सी बी को फॉलो करा रहा था, है ना, हाइट दे रहा था। तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसलिए इसको टू डी मोशन भी बोलते हैं। तो कई चैप्टर्स का नाम है टू डी मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, या कई चैप्टर्स में ऐसा बोला गया है मोशन इन ए प्लेन। तो प्लेन का मतलब भी एक्स वाई डायरेक्शन में चलने वाला। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस किए थे। अगर इसका इनिशियल एंगल, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू है और प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, तो उसके बाद हम लोगों ने टी निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितने समय तक ये हवा में रहने वाला है जो भी बॉडी आपने थ्रो की है। उसका कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ये चार पांच फॉर्मूले सामने लिखे, ये याद होंगे तो काफी सवाल बना लेंगे आप। एच की बात करते हैं, हाइट कितना, ये हाइट कितना अचीव करने वाला है, इस फॉर्मूले वैल्यू रख देंगे तो हाइट अचीवमेंट निकल आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद रेंज कितना मिलने वाला है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और आर मैक्स की बात करेंगे, तो आर मैक्स का मतलब था इसी आर को अगर आर मैक्स करना चाहें तो साइन टू थीटा की वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू वन होती, उस वन को पुट पुट कर देंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी मिल जाएगा, ठीक है। अब एच मैक्स की बात करें, तो एच में अगर हम उसको ग्रेटेस्ट करना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा अगेन, तो ये वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी। इन दोनों में रिलेशन अगर देखें तो आर मैक्स की वैल्यू एच मैक्स से डबल है, यानी रेंज जो ज्यादा से ज्यादा हो सकती, आर मैक्स की जो वैल्यू है वो एच मैक्स से डबल हो सकती है। समझ में आ रही है बात ना? तो ये वैल्यू एच मैक्स जितना आएगा उससे वैल्यू डबल हो सकती है। दूसरी बात ये भी हमने बताई थी लेकिन दिमाग में आप रखिए कि किसी भी रेंज के लिए हमने बॉडी थ्रो की, मोहित के पास फेंकना है अपने को पेन, हमने फेंका है ना, मोहित ने कैच कर लिया, तो एक एंगल पे हमने फेंका जो एंगल कितना था 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। अगर हम यही रेंज रखना चाहें तो हमें 30 पे भी एंगल, 30 पे भी हम पहुंचा सकते हैं वहां। फॉर द सेम रेंज वी गेट टू एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 30 पे जो आएगा वो 60 पे भी आएगा, रेंज की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना है, फॉर सेम रेंज के लिए वी ऑलवेज गेट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो वी ऑलवेज गेट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो थीटा वन की वैल्यू आएगी 30 डिग्री और थीटा टू की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। बात समझ में आती है ना? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकलने वाले हैं अपने, तो ये भी पॉइंट हमें हमारे दिमाग में क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए। एक छोटा सा सवाल एक दो बना लेते हैं फिर हम इसके ट्रेजेक्टरी के ऊपर चलेंगे, वरना काफी बोरियत सी हो सकती है, ठीक है, आपको समझने का भी मौका मिलेगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बोला गया है और बहुत इजी है, मैं लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर, तो ये देखिए इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहें आप तो कैसे बना सकते हैं, ये बड़ी आसान सी बात है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलेंगे आपको, ठीक है। और एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस लगाइएगा ही, वो तो इम्पोर्टेंट पूरी तौर पे होते हैं। बात करते हैं, क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कितना अचीव कर पा रहा है ये 100 मीटर, तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो पाएगी 100 मीटर। तो आर मैक्स का मतलब है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये वैल्यू कितनी दी है अपने को 100 मीटर दी है। समझ में आती है बात? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल,
उसी बॉल को और ऊपर तक भेजना है तो कितना डिस्टेंस तक भेज पाएंगे हम लोग। तो ये बड़ा सीधा और सरल सवाल है, आप कैलकुलेट करना चाहें करें, वरना हमने तो एक रिलेशन ही बता रखा है, इसमें तो सॉल्व किया है। कितनी होगी वैल्यू? आप 50 मीटर, बड़ी सीधी सी बात है। आर मैक्स दिया है और अपने को एच मैक्स पूछा है, ये क्या है आर मैक्स? मैक्सिमम एच मैक्स के लिए निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा? आर मैक्स अपॉन अपॉन टू, दिस इज 100/2, 50 मीटर। और ये मैं आंसर चेक कर रहा था, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने उसी कैलकुलेशन को लगाया है। तो बड़ा सीधा सा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था बेसिकली। फाइंड दी, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये बस आपको फील कराने के लिए करा रहे हैं। बाकी जब चैप्टर खत्म करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करा देंगे और। तो ये फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 39.2 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमारे पास ये रखा हुआ है, ठीक है? तो ये फॉर्मूले को यूज किया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये वैल्यू आई हमारे पास, तो आर की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 39.2, और ये वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा। अब ये पूछ रहा है कि यू की मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। तो देखिए, यू की मिनिमम का मतलब है ये मैक्सिमम हो तभी तो मिनिमम हो पाएगा, ये तो कम से कम कितने पे काम हो जाए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते थे? आर मैक्स वाला। यहां पर बात मेरी समझ पा रहे हैं ना, क्या बोला है, कैसे कर रहे हैं? बोला है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ यू। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? जहां पे हमें बेस्ट कंडीशन मिले। बेस्ट कंडीशन कहाँ मिलेगी? जहां साइन 2 थीटा 1 हो, यानी थीटा 45 डिग्री हो, वही रेंज सबसे ज्यादा मिलती है। बात समझ में आती है? तो ये हमारा कन्वर्ट किस में हो गया सिस्टम? आर मैक्स वाले में। यहां पे भी 1 रख सकते हैं, और ये फॉर्मूला बना यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये हो गई 39.2। और फॉर कैलकुलेशन, फॉर इजी कैलकुलेशन, हम जी को 10 ले लेते हैं समझने के लिए। जी को हम 10 लिख देते हैं, आप लोग एग्जाम में 9.8 लीजिएगा, है ना? करना सीख लेते हैं, 9.8 लीजिएगा जब तक बोला ना जाए। और ये वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू अब जानने कितनी आ गई, अंडर रूट 392। और ये 392 का रूट निकाल लीजिए, करीबन कितना आएगा ये? ये करीबन आ जाएगा, हमने 10 माना है, इन्होंने 9.8 लिया है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 19.6 आ रहा है। 20 का होता है 400, 400 होता तो रूट होता 20, तो 400 के आसपास है, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सीधे सी बात है। और इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, सबसे ज्यादा आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, ये जो फॉर्मूले पांच पांच छह फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7ों पॉइंट एकदम याद होने चाहिए आपको। मतलब एकदम जैसे ही आए खट से लगा दीजिए, इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हमने दोबारा बना के इसको लिख दिया है कि आपके सामने आ जाएगा तो दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है? आगे चलेंगे अब हम लोग। ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहां पर जो एक्स कंपोनेंट है वो आपको मालूम है, वो है यू कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट है इधर, वो है यू यू वाई कंपोनेंट है यू साइन थीटा। तो ये यू साइन थीटा, बात समझ में आती है? तो ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं कि इसे जो प्रोजेक्टाइल हम बोलते हैं ना, अभी इसमें दो नाम, एक नाम और जुड़ेगा। इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है जो 90 के अलावा फेंकें? तो उसमें एक एंगुलर और एक दूसरा नाम जुड़ेगा, उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? जहां हम खड़े हैं उसको हॉरिजेंटली फेंक देना। जैसे ये है, व्हाट इज दिस? दिस इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये आपका जो प्रोजेक्टाइल एंगुलर है, एक प्रोजेक्टाइल कैसा होगा कि आप खड़े हैं हॉरिजेंटली, आपने फेंक दिया ऐसे इस डायरेक्शन में, और बॉडी यहां आके गिरेगी।
है ना, इसे बोलेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, जब हम आपको हॉरिजेंटली इसी चीज को थ्रो करते हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखिए, ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें एक्स की बात हम करें, इस डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो इसमें कोई एक्सेलेशन तो है नहीं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, स्पीड थी यू कॉस थीटा इनटू जो टाइम लेगा, जिस टाइम में आगे बढ़ाना हो यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी, क्योंकि एक्सीलेशन है ही नहीं, तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे। अब दूसरी वैल्यू रखते हैं हम लोग वाई के लिए, तो वाई में एक फॉर्मूला हम लोग जाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसमें, जब यूनिफॉर्म एक्सीलेशन होता है तब ये सब लगाते हैं। तो इस एक्सीलेशन में वाई वाई की बात करने वाले, तो वाई में क्या इक्वेशन बनाई, वाई इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इज इक्वल टू यू टी, तो यू टी में यू कौन सा लेंगे, हम यू लेंगे यू साइन थीटा वाला, समझ में आ रहा है क्यों ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन में आइशू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने ली यू साइन थीटा, और टाइम हमने यहां से निकाल रखा है, तो यहां टाइम लगाया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक। अब आगे लेके चलते हैं, माइनस हाफ जी, ये जी क्या है, माइनस नीचे लग रहा है यू ऊपर थी, तो माइनस लगा दिया हाफ जी और टी स्क्वायर, तो टी ए इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये इक्वेशन में डाली, ये क्या है वाई, ये वाई है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये इक्वेशन इससे आई है, ये जो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन वाली इक्वेशंस थी, ठीक है। अब इसको आगे लेके हम लोग चलते हैं, अब ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला किस तरह का फॉर्मेट में आ गया, देखिए कि फॉर्मेट आया यू इज इक्वल वाई इज इक्वल टू, यहां यू से यू कट गया, वैल्यू आई कितनी, एक्स टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये इक्वेशन हमारी हाथ में आई, ये अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो इन डिटेल पढ़ेंगे कि पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे बायो ग्रुप के हैं वो कम से कम इतना जान लें जितना हम बताने वाले हैं, कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक लिखते हैं इक्वेशन, तो क्या हमेशा शो करता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली इज इक्वल टू वाई, इस तरह के फॉर्मेट में जब चीजें आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट है हमारे पास, पूरा हम लिख भी सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इस तरह के भी बात कर लें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, और चाहे तो सी भी लगा दें तो भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। उस कंडीशन में अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसे भी लिख दें हम लोग, तो भी क्या शो करने वाला है, तो ये पैराबोला ही शो करेगा, ठीक। तो इस पैराबोला जानते हैं कैसा होता है, पैराबोलिक, हाँ पैराबोलिक शेप ऐसे होता है, कई तरह के पैराबोला होते हैं, हम एक सिंपल वाला स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा रहे हैं, इस तरह का शेप बना हुआ ये देख रहे हैं, ये इस तरह का पैराबोला हो सकता है, और कहीं भी घुमा सकते हैं इसको, इस तरह का भी हो सकता है। तो जो एक्स स्क्वायर में आता है फॉर्मेट, वो आता है इस तरह का पैराबोला, या तो यहां आएगा या नीचे ऊपर कहीं होगा, लेकिन इस तरह का इसका वर्टेक्स रहेगा, वर्टेक्स का मतलब जहां आगे इसका पॉइंट रहता है, और ये जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मैथमेटिक्स वाले लोग पढ़ेंगे इसको, और ये जो फॉर्मेट होता है इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a या बी वाई, एक्स पलट गया तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह कोई और भी चीजें होंगी, तो यहाँ टच नहीं करेगा ये
ये कहीं और चला जाएगा, जैसे यहां जा सकता है, यहां की जगह यहां जा सकता है, लेकिन रहेगा ऐसे ही। ठीक है, ये ऐसे ऐसे की जगह ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला कैसे भी हो सकता है, शेप शेप यही रहेगा। तो पैराबोला जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे आगे आगे देखिए, ये ऐसे होता है, ये जितनी दूर जाएंगे उतना बड़ा फैलता चला जाएगा। व्हेल मछली देखिए, व्हेल मछली उसका जैसे मुंह रहता है, बीच में फैलती चली जाती है समझने के लिए, तो उस तरह का होता है पैराबोला, समझिए। जबरदस्ती की बात है लेकिन समझ में आता है कि आगे बंद है या पीछे खुलता जा रहा है, और खुलते खुलते कहाँ तक जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। दिस इज द पैराबोलिक शेप। कहाँ से आता है, क्या आता है, वो मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पैराबोलिक एक शेप नज़र आता है अपने को, और इसमें सी नहीं है तो इसको हम लोग सी हटा देते हैं। इसमें सी नहीं है, एक्स से एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक्स से और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है कि जो इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की, वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। अब पैराबोलिक पॉथ को फॉलो करती है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, और आगे हम बढ़ना चाहें तो इस इक्वेशन को तरह तरह से लिख सकते हैं। वी कैन राइट द इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कैसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर नीचे, इसको सेक लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत तरह की मोशंस इसमें लिख सकते हैं, और बाकी और भी तरीके का लिख सकते हैं, हम लिख के दिखा नहीं रहे क्योंकि उससे बहुत कुछ एडवांटेज है नहीं, है ना। अपने को ये इक्वेशन ध्यान कर ले तो बड़ी अच्छी बात, किसी भी पॉइंट पर वाई निकालना हो उसमें वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को देखते हैं। ये बात समझ में आई, क्या बनाया, ये इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल है जो कि पैराबोलिक शेप में है। किस शेप में है, पैराबोलिक। पैराबोलिक शेप कैसे होता है, एक फेयर आइडिया अपने को लग गया है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं हम लोग, तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा उसको हमने भी बताया था कि किसे आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इस प्रोजेक्टाइल में आप कैसे थ्रू करते हैं बॉडी को, आप ऐसे थ्रू करेंगे, ये बॉडी ऐसे आएगी नीचे, हॉरिजॉन्टली आपने थ्रू किया है इसको, इस वजह से इसको हॉरिजॉन्टल, यू कितना है यू एक्स, कोई एंगल नहीं है एक्स से हॉरिजॉन्टल से, और इसका यू वाई कितना है वर्षा, इसका यू वाई कितना है, जीरो है, क्योंकि जब फेंका इधर है तो नीचे कोई वेलोसिटी दे नहीं है, दी नहीं है। जब यहां पहुंचेगा आंचल तो यू वाई कुछ होगा कि नहीं होगा, इसका यू वाई होगा इसका। जब किसी बॉडी को हम छोड़ते हैं तो जीरो पे रहती है, लेकिन क्योंकि एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है तो वो इसकी स्पीड बढ़ाता है। पेन को अगर हम छोड़ दें तो नीचे तो तेजी से बढ़ने लगता है ना, क्यों, क्योंकि एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है अर्थ वाला। तो ये जो बॉडी हमने इधर फेंकी है, इधर कोई लेना देना नहीं, यहां तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं इसको या सपोर्ट करने वाला, लेकिन नीचे खींचने के लिए अर्थ तो है ही, वो तो हमेशा काम करती है, तो अर्थ इसको एक्सेलेट कराएगी नीचे। तो यहां वेलोसिटी यू वाई जीरो है, लेकिन जिस समय ये टकरा रहा होगा उस समय यू वाई जीरो नहीं होगा, सर्टन वेलोसिटी होगी। ये बात समझ में आती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस समय क्या होगी रवि, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, उसको जैसा वो चल रहा वैसा चलता रहेगा। तो हॉरिजॉन्टली कैसी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू वाई या सॉरी यू एक्स में कोई कोई भी चेंज नहीं, लेकिन यू वाई में चेंज। समझ में आया क्यों, ठीक। अब थोड़ी सी बात और देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं और ये इसका रेंज हो गया। ये समझ में आई ना बात, क्या क्या बात बताने की कोशिश की हमने। अब कैलकुलेशन करते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं फ्लाइट ऑफ
टाइम के लिए, जिसे आप टी से दिखाते हैं। तो फ्लाइट ऑफ टाइम कितना है, यू वाई से चला है और यहां पर जब ये खत्म हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगी वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू आने वाली है। अब इसमें हम एस की जगह क्या वैल्यू लेंगे, यहां मान लीजिए ये हाइट कितनी है एच, तो यहां पर आ गया एच, और इसमें कौन सी वेलोसिटी पिक्चर में है, तो इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं यहां पर यू, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहां पर जीरो, तो यू टी की जगह यू ले लिया जीरो, टाइम तो खत्म हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई होके, इसको चाहे तो कैपिटल टी लिख दीजिए क्योंकि फ्लाइट टाइम निकालने वाले हैं, हाफ जी की जगह आ गया कितना जी, क्योंकि ये आपने वेलोसिटी नीचे ही की तरफ है, इधर ही बढ़ रही है यू वाई, तो इस समय इसको प्लस लिया है और जी और साथ में टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर अगर कैलकुलेट करें यहां से टी, टी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू एच अपॉन जी, तो ये फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट निकला किसमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर। बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आती है बात। अब इसकी रेंज निकालते हैं हम लोग, किसकी रेंज निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। रेंज का मतलब क्या है, ए और बी तक डिस्टेंस निकालना है, ए बी और उसको सी बोल देते हैं, हमको ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, यू एक्स, वही तो आगे ले जा रहा है इसको, और कोई एक्सेलेरेशन नहीं उस रास्ते में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यानी रेंज ए बी, जो हमारी रेंज है वो है स्पीड यू एक्स इंटू टाइम, टाइम फ्लाइट टाइम, यही टाइम में तो आगे भी गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टू एच अपॉन जी, तो रेंज क्या बन गई आपकी, अगर यू एक्स वगैरह सिंपली हटा दें, यू अंडर रूट टू एच अपॉन जी, ये इसकी रेंज आ गई। किस केस में आई रेंज, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कौन सा होगा, जो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाएगा। अब इसका एक अगला चीज कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए टी टाइम बाद, स्मॉल टी टाइम बाद यहां ये पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है इस समय इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पर, तो टी टाइम के बाद स्मॉल टी के बाद ये सी से पी पे पहुंचा, तो उस समय वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी ये आपको निकालना है। तो जब यहां पहुंचेगा ना, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के, ऊपर तो एक ही था, कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वाला सेम रहेगा कोई फर्क नहीं, लेकिन वर्टिकल वालों में बदलाव हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल वाला बढ़ता जा रहा है, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्ट निकालने का तरीका क्या है, पाइथागोरस टाइप का, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के रूट ले लो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़कर रूट ले लो, बात समझ में आई, कंपोनेंट निकाल के। तो हम क्या करेंगे यहां, पहले हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे वी वाई का, तो वी वाई क्या होगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू हो गया जीरो, यहां से शुरू हुए तो यू जीरो था, प्लस एटी, ए की जगह जी और टाइम टी, वी वाई इज इक्वल टू जी टी हुआ, हुआ आयुषी, समझ में आई बात कि नहीं, आफ्टर टाइम टी यहां पर वी वाई अगर हम ले लें, ये कितना निकला जी टी, कैसे, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाया है जो उन्होंने एक दो साल से पढ़ रहे हैं, ठीक, ये वी इज इक्वल टू जी टी निकला। अब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो कोई फर्क ही नहीं आया, वो यू का यू बना हुआ है, उसमें कोई चेंज थोड़ी आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स कितना है, यू है। अब दोनों कंपोनेंट हमको मिल गए, दोनों का फाइनल रिजल्ट यानी वी, तो वी क्या होगा, अंडर रूट वी वाई का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर, एक्स का मतलब एक्स ही बना हुआ है इसलिए, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट आया वी, ये फॉर्मूला आपका आ गया।
ये समझ पाए ना कैसे बनाया, वेक्टर के हिसाब से जोड़ते हैं। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, परपेंडिकुलर 90 पर, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है? इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही लगाते हैं ना, कई जगह लगाया है, इसलिए लगा दिया इसको हमने। अब इसमें एक छोटी सी चीज और बनती है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल का केस क्लोज हो जाता है। वो छोटी चीज ये बनती है कि ये बताइए कि जब यहां बी पे हिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। हम रेंज निकाल चुके, ये कितने समय तक हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हम, ये निकाल चुके कि रास्ते में उसकी वेलोसिटी कब कितनी होगी। अब वो पूछता भी ये बताइए कि ये यहां पर कितनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां के लिए फिर इन्होंने कैलकुलेशन किया है और उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो वेलोसिटी कितनी होगी ये चाहिए, और साथ में किस एंगल पर स्ट्राइक करेगा। जब ये गिरेगा जमीन पर ना, तो किसी एंगल पर गिरेगा ना, वो एंगल भी हमको निकालना है। दो बातें निकालनी। तो दो बात के लिए पहली बात शुरू करते हैं हम लोग। अगर हमें ये निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे हाथ में है। इसमें हम क्या टी की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल टी, कहां गया ये। तो जब इस टी की, टी था यहां से यहां तक, इसकी जगह कैपिटल टी रखेंगे तो यहां से यहां तक, तो इस समय कितना वेलोसिटी टकराते हुए निकल आएगा तुरंत। एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक क्या वेलोसिटी रहने वाली है, v इज इक्वल टू अंडर रूट, इस t को रिप्लेस कर दो कैपिटल t से, और कैपिटल t की जो वैल्यू है यहां पर 2h अपॉन g, वो रख दो इसके अंदर, आ गई वैल्यू। अगर आप रखना चाहें तो ये वैल्यू बनी g स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2h अपॉन g प्लस u स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी बन गई, जी जी से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया 2hg प्लस यू स्क्वायर। ये इसकी वेलोसिटी हो गई, कब की, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक। कुछ भी बड़ी बात नहीं, सीधे रखी वैल्यू निकल आई। और एक फाइनल चीज बचती है कि किस एंगल पे ये स्ट्राइक करने वाला है ना। अब उसको हम लोग देखते हैं, जब ये स्ट्राइक करेगा, देखिए यहां पर, तो यहां की पोजीशन अगर ले लें बी पर, तो जब बी पर बॉडी आएगी तो इसका एक एंगल इधर रहेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा। ये कंपोनेंट जो था वो यूएक्स वाला ही चल रहा है, जिसे आप वीएक्स बोलते हैं, ये कंपोनेंट है वीवाई वाला, ऐसा ही तो स्ट्राइक करेगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां कहीं आ रहा होगा बीच में, जिसे आप वी बोल रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट, जब ये टक्कर मारेगा धरती को, स्ट्राइक करेगा जमीन पर। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहे हैं? तो जब स्ट्राइक करेगा तो उसमें उस समय क्या नजारा होगा, उस समय ये नजारा होगा कि यूएक्स जो है इस डायरेक्शन में काम कर ही रहा होगा, टकराने से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। तो यूएक्स होगा वो तो बना हुआ है, और साथ में वी वाई जो कैलकुलेट किया हुआ है, ये दोनों होंगे कंपोनेंट, साथ में वी इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा। जो रिजल्टेंट होगा वो वैल्यू, एंगल कितना बनेगा, एंगल ये बनेगा थीटा। ये देखिए ऐसे स्ट्राइक किया, ऐसे हॉरिजॉन्टल से, तो ये अगर आप कंपोनेंट बनाएंगे तो ये थीटा दोनों बराबर होने वाले हैं। समझ पा रहे हैं? यहां पर जब स्ट्राइक करेगा तो ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कौन सा एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, गुड, इसलिए बराबर होंगे। इसी थीटा को जानना चाहते हैं हम, तो इस थीटा को जानने का बहुत सरल तरीका। कैसे सरल तरीका, ये बनाया ट्रायंगल जिसे बनाते थे हम लोग, और टेन थीटा क्या लगा दिया, टेन थीटा वेक्टर फॉर्म में वी वाई अपॉन वी एक्स होता ही है, वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था ना, वी वाई अपॉन, ये वी वाई है अपॉन वी एक्स। तो वी वाई कितना था हमारा, वी वाई था वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, यहां आ जाओ, कहां गए भाई, वी वाई निकालना पड़ेगा लगता है हमारे ख्याल से। ये जो वैल्यू मिली है ना, अंडर रूट टू, अंडर सॉरी टू एच जी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं?
यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहां से शुरू के यहां तक पहुंचे हैं तो वो कितना होगा, अंडर रूट टू एच जी की जगह केवल रूट टू एच जी। फॉर्मूला चाहे तो निकाल लें, वर्टिकल कंपोनेंट कहा गया, कहीं निकाला है क्या? हम लोगों ने निकाला ये वी वाई पकड़ा था, यहां आ जाओ। अब ये वी वाई इसका टू जी टी था, तो इसमें टी की जगह क्या रख दो, फ्लाइट टाइम वी वाई के लिए। तो फ्लाइट टाइम जब रखोगे ये अंडर रूट वी वाई जो निकालोगे ये वी वाई में हो गया जी, और फ्लाइट टाइम हो गया अंडर रूट टू एच जी। तो अंडर रूट टू एच जी रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? सही लिख रहे हैं, गड़बड़ लिख रहे हैं बेटा, है तो ये टी की वी इक्वल टू जी टी, तो जी टी में टाइम लगा फ्लाइट टाइम, तो ये वैल्यू क्या हो गया, जी कैपिटल टी। ठीक है, और अगर उस फॉर्म में निकालें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाले में, नहीं उसकी जगह में चाहिए क्या, चाहिए वी वाई। हाँ अगर यहां पर हमें वी वाई चाहिए तो हम क्या लगा सकते हैं, वी स्क्वायर, एक और फॉर्मूला था ना वी वाला, वी स्क्वायर टू यू प्लस ए टी वाला। देखो क्या रिजल्ट आता है इससे हमारा, वी वाई कंपोनेंट यहां पे जीरो था और यहां पर जब पहुंचे तो यही फॉर्मूला तो अप्लाई होगा जी टी, और ये इससे वैल्यू हमारी क्या बनेगी वी वाई कंपोनेंट की, वैल्यू आ जाएगी जी अंडर रूट टू एच अपॉन जी। ये अंदर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी टू एच जी, यही वैल्यू आएगी अंडर रूट टू एच जी। तो यहां पर वी वाई की जगह रख देंगे टू अंडर रूट टू एच जी, और वी एक्स कितना होगा, तो वी एक्स में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो वो बना हुआ है यू। तो थीटा कितना आ जाएगा यहां पे, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट टू एच जी अपॉन यू, ये आपकी वैल्यू आ गई थीटा की। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं और ये आप इसके दिमाग में रख लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, इसके बाद आगे की कहानी कैरी ऑन करेंगे।